आंख में देखने की शक्ति है, ये करण शक्ति हुई वो पृथक, और श्रवण में श्रवण की शक्ति है ये पृथक हुई, हाथ में कर्म करने की शक्ति है ये पृथक हुई। तो भगवान के हाथ कान आंख तो नहीं है, बिना करण के ही उसकी शक्ति काम करती है, माने शक्ति मात्र का ही वो आश्रय है, उसमें करण की पृथकता, ईश्वरगत शक्ति ही उसका सारा काम संपन्न करती है, उसमें कार्य पृथ्वी आदि विषय रूप और करण इंद्रिय रूप ये दोनों उसमें नहीं है। ईश्वरगत जो माया शक्ति है वही देखने का विविध विविध कार्य है, और परामाने कार्य और करण से परे, और विविधा माने सर्व कार्य संपादनी, परा माने कार्य करण से परे, और विविधा माने सर्व कार्य संपादनी स्वाभाविक। तो स्वभाव के बारे में भी निश्चय करते हैं, स्वभाव क्या है। तो जीव का जो स्वभाव होता है वो तो संस्कार से निर्मित होता है, पूर्व पूर्व कर्म से जो जीव के अंतःकरण में संस्कार रहता है उससे उसका स्वभाव बनता है, निर्मित कृत्रिम स्वभाव होता है। लेकिन ईश्वर का जो स्वभाव है वो कर्म निर्मित नहीं है, बल्कि वो उसका अपना ही भाव है, तो स्वरूप भाव है, स्वरूप भूत भाव है, इसलिए स्वभाव स्वभाव ऐसा बोलते हैं, उसका अपने भाव है, वो कर्म द्वारा निर्मित नहीं है। तो इससे हम एक ईश्वर पर पहुंच गए, कार्य रहित करण रहित, कार्य रहित करण रहित, और कर्म निर्मित शक्ति वाला नहीं स्वाभाविक वाला। तो सब व्यावृत्त होता गया, सब कटता गया, सब कटता गया, सब कटता गया, अब रह गया केवल उसकी स्वाभाविक शक्ति रह गई। तो स्वाभाविक शक्ति भी जब हम देह में और जगत में बैठते हैं ये तब कार्य गम्य होती है, जब हम काम देखते हैं पंखा चलता है तो इससे मालूम पड़ता है पंखे में बिजली है, शक्ति हमेशा कार्य गम्य होती है, यदि कार्य गम्य न हो तो शक्ति का पता नहीं चलता है। तो अंततो गत्वा जब हम देह और देह से संबद्ध संसार का अपवाद कर लेते हैं तो उस समय शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। तो संसार की दृष्टि से शक्ति ईश्वर में होती है, और ईश्वर दृष्टि से ईश्वर और ईश्वर की शक्ति में भेद नहीं होता। तो ये बात सब वैष्णव को भी मान्य है कि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। अब वो शक्ति स्वरूपगत शक्ति है ऐसा उपासक लोग मानते हैं, वैष्णव सही साख सब, और अध्यारोपित शक्ति है ये अद्वैती मानते हैं, पर शक्ति माने बिना तो व्यवहार की सिद्धि जो है वो नहीं हो सकती है। तो शक्ति
अध्यारोपित है कि स्वरूपभूत है, इसमें तो उपासकों का और वेदांतियों का मतभेद है। अब वेदांत मत से जब ब्रह्मात्मा के बोध हो जाता है तो शक्ति अध्यस्त या आरोपित या मिथ्या के रूप में निश्चित हो जाती है, लेकिन जब तक ब्रह्मात्मा के बोध नहीं होता तब तक उसको व्यावहारिक और प्रातिभाषिक दोनों ही सत्ता उसकी माननी चाहिए। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सतरणोत्यकरणा सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम पुराणम पुरुषम महान। अपाणि पादो जवनः चलता है लेकिन बिना पकड़ता है परंतु बिना हाथ के, चलता है पर बिना पांव के, यही उसकी शक्ति है। स्वभावोध्यात्म जो कहा है गीता में, स्वभावोध्यात्म उच्यते, स्वभाव उसका अध्यात्म भी है। ये वहाँ परमेश्वर के स्वभाव का वर्णन नहीं है, आत्मा के स्वभाव। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां। वो स्वभावोध्यात्म उच्यते जो है वो तो अध्यात्म माने शरीर के भीतर काम करने वाले यंत्र, आत्मनि एव इति अध्यात्म, जो शरीर के भीतर होते हैं, हैं जैसे मोटर में जो इंजन है ना, जो पुर्जे हैं उसके, तो इस शरीर को हाथ को हिलाने वाला कौन है, जीव को हिलाने वाला कौन है, वही अध्यात्म है। हमारे इंद्रिय जो हैं वो अध्यात्म है, मन जो है वो अध्यात्म है, ये अपने ही भाव है, तत्त इंद्रिय पर आरूढ़ होकर के तत्त दोलक में। महर्षि जी आपने करीब 20 साल पहले हरि बाबा थे उधर सत्संग में बोला था कि मैं सोया था, आप सुना रहे थे, मैं सोया था सिराने की तरफ श्री कृष्ण महाराज प्रकट हुए और न मैं उठ सका न मैं प्रणाम कर सका, सिराने वो खड़े रहे पर मेरा शरीर ऐसा हो गया, तब ये आपने सुनाया था। ये मानते हैं ना, आपने सुनाया था, ऐसा मानते हैं कि जड़ता संचारी एक भाव होता है, तो कोई अद्भुत देख करके, कोई आश्चर्यजनक वस्तु देख के और हाथ पांव बिल्कुल बड़े की शक्ति के सामने वो निष्क्रिय हो गया। तो हाथ तो थे प्रभु से, हाँ, पर हाथ हिलते नहीं थे। कल रामानंद जी ने सुनाया, अपने रामानंद जी ने, कि गोवर्धन में आपने कई बार सुनाया सत्संग में कि गोवर्धन में मुझे आलिंगन किया और आँख बंद हो गई, कल रामानंद जी ने सुनाया आपके लिए और वो कई बार सुनाया सत्संग में। ऐसे ही का अभिप्राय ये है कि आप कहते हैं भगवान के हाथ नहीं है, हाँ पैर नहीं है। वो, अरे वो तो मैं निराकारियों के भगवान की बात कर रहा हूँ। आप तो अपना नीचे सत्य वस्तु जो है उसको रखें। नहीं नहीं, वो तो पग बिनु चले सुने बिनु कामना है ना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बगता बड़ जोगी, पग बिनु परस नैन बिनु देखा गहे ध्यान बिनु बाल असेसा, अस सब भांति अलौकिक करनी, उसका तो वर्णन मैं कर रहा हूँ, महिमा जासु जाए नहीं बरनी, और सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, उसका वर्णन तुम कर रहे हो है ना, सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, ये तो तुम बोल रहे हो बोला, हाँ तुम उसका वर्णन, और वो पग बिनु चले सुने बिन काना, ये रामायण की बात कही तो उसकी बात में बोल। हमारी गोस्वामी जी ने तो ना ना, वो तो एक गोस्वामी जी ने दोनों को एक सोई है, सोई है जो प्रेम भगत बस कौशल्या की। हमारे जी इसका क्या भाव है गोस्वामी जी का कि निर्गुण मत अति सुगम है, सगुण जान नहीं को, इसका भाव क्योंकि निर्गुण में तो एक ही होता है ना, तो उसको जान लेना बहुत सुगम है, और सगुण का तो इतना विस्तार होता है
कि कितना आंख चलाता है और कितनी कमर हिलाता है और कितनी बार टुड्डी कैसे कैसे करता है, उसके जो चोंचले हैं उनका पता लगता है। सगुण में तो बहुत चोंचले होते हैं ना, बहुत नकरे होते हैं, सगुण तो नकरेबाज होता है। और निर्गुण के तो हिलना न डोलना, वो तो जैसा है वैसा जान लिए। ये बात भागवत में भी है, गुणात्मनस्ते गुणान भी मातावतीर्ण से कही सुरेश। तो उसमें पहले ये है कि निर्गुण को तो यथा कथंचित जान भी सकते हैं, परंतु सगुण को तो नहीं जान सकते हैं। हाँ, वो तो भूतानी का तो अर्थ ये है कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनेगा तो फूट के मिट्टी में मिल जाएगा, ये तो प्रकृति ज्ञान से भूतानी हुआ। घड़े की प्रकृति है मिट्टी, और ये जो अपने कर्म और भोग हैं ये विकार में है, ये प्रकृति में नहीं, इसलिए इनका निरोध हो सकता है। इसीलिए विकार और प्रकृति को बिल्कुल अलग अलग बोलते हैं। एतत् क्षेत्रम समासेन सदिकारं उदाहृतम्। तो जो विकार है उसका तो निरोध शक्य है। इसी से तयोर नपसमागच्छे तौ यस्य परिपंथिनौ, ये है। और भागवत में तो यहाँ बताया कि बहादुरी का काम ही ये है कि अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ले जाए। स्वभाव विजय सौर्यम, सबसे बड़ी बहादुरी क्या है कि अगर शरीर हिलाने की आदत हो तो उसको रोकने की शक्ति अपने अंदर होती है। बोल रहे हैं चाहे जब तक आ रहा है गुस्सा, और झट उसकी जगह प्रेम की बात करने लगे, बदल दिया। प्रकृति को बदलने का जो सामर्थ्य है वो बहादुरी है। स्वभाव विधेय सौर्य, सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि जो आदत तुमको पड़ गई है, कुर्सी पर बैठ के पांव हिलाने की आदत पड़ गई है, तो पांव हिलाना बंद करो, तब बहादुरी। कोई चटिया कलाम हो गए, दूध पीने की आदत पड़ गई है, छोड़ सको तब बहादुरी। ये नहीं किया अब क्या करें, अब कैसे, अब क्या। तो ये दीनता आ गई ना, दीनता आ गई, दूध के प्रति पराधीनता, दीनता आ गई। यदि दुनिया में कोई ऐसी चीज बोलने की, चलने की, करने की, हिलने की, भोगने की पड़ जाती है ऐसी आदत, तो उस पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो तो भोगी है। देखो भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक काम बनेगा। क्या कहो, उसका अर्थ यदि कोई ये निकाले कि प्रकृति ज्ञान की भूतानि निग्रह को करिष्यति, आपने गीता में पढ़ा ही होगा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्रम काम लोभ तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत् एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिविध नरः आचरत्यात्मन श्रेयस ततो यातु परांगते। तो भगवान साफ कहते हैं कि काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, और इनको छोड़ दो, त्यजेत है वो विधि है ना, तस्मादेत त्रयम् त्यजेत। और एतैर् विमुक्तः आत्मनः श्रेयः आचरति, इनसे विमुक्त होकर के जब आत्म कल्याण की साधना करता है तब परागति की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य के बस में काम क्रोध लोभ को छोड़ना है, और यदि नहीं छोड़ेगा तो नरक में जाएगा, और छोड़ेगा तो परागति को प्राप्त होगा। तो प्रकृति जानति भूतानि का ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि हम काम क्रोध लोभ को छोड़ नहीं सकते। अभिप्राय होगा कि भाई उनको भी आता है लेकिन वो विवेकवान छोड़ आता है, आने को तो बहुत कुछ आता जाता है। नींद ही ससुरी आती है।
जितना होता चले उतना स्वीकार करते चले। यदि विवेक वैराग्य की शक्ति हो तो इनको पछाड़ भी सकते हैं, और नहीं होए तो बड़े का सहारा लेना चाहिए, माने ईश्वर का सहारा लेके बड़े के जाके महाराज पुलिस थाने में बैठ जाते हैं। अब गुंडा क्या करे, थाने में जाके बैठ जाते हैं तो गुंडा क्या करेगा। तो भगवान के दरबार में जाके बैठ गए, आश्रय ले लिया, और ये सब के सब बाहर रह जाते हैं। इच्छा इच्छा द्वेष समुत्थेन समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः। जब पाप की निवृत्ति हो जाती है तब इच्छा द्वेष की भी निवृत्ति हो जाती है। वही द्वंद्व निर्मुक्त माने इच्छा द्वेष से निर्मुक्त। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। ये समर्थन करने लायक नहीं है, इनको वोट कभी नहीं देना, भले ये जीत जाए तो जीत जाए, जीतते हैं तो जीतने दो, पर इनको वोट कभी नहीं देना, कभी न कभी हारना ही पड़ेगा, कभी न कभी हारेंगे, इनको वोट दो। इनके लिए इनके लिए महात्माओं ने दो युक्ति बताई। जैसे मन में काम क्रोध आया तो यदि तुम्हारी बुद्धि ने इनको वोट दे दिया ये ठीक है, तब तो इनके विजयी होने में कोई संदेह ही नहीं है। एक तो बुद्धि इनके पक्ष में न जाए, और दूसरे का कर्म पर अपना बस है। काम क्रोध आवे परंतु क्रोध के अनुसार बोले नहीं, काम के अनुसार करे नहीं, तो दो ओर से दो पाठ के बीच में पड़ गए। एक तो कर्म का द्वार बंद और एक बुद्धि का समर्थन बंद, जहां विवेक और कर्म दोनों अवरुद्ध हुए वहां काम क्रोध क्या होगा। देखो आपको बताते हैं उनका हुआ क्या, वो स्वप्न हो गए। यदि वो कर्म में उतरते तो जागृत अवस्था हो जाते, और यदि विवेक से किए जाते तो वो अपने संस्कार को और दृढ़ करते। तो विवेक से समर्थन न करने के कारण तो आगे के लिए उनका संस्कार दृढ़ नहीं हुआ, और कर्म न होने के कारण जागृत अवस्था में नहीं आए, तब जैसे स्वप्न बिना अपना अपना प्रभाव डाले ही और बिना अपना फल उत्पन्न किए ही, स्वप्न के पाप पुण्य का फल जागृत में नहीं होता, तो स्वप्न के काम क्रोध का फल जीवन में नहीं होगा, और बुद्धि से समर्थन न करने के कारण अपेक्षा बुद्धि न होने से उनका संस्कार नहीं पड़ेगा। इसलिए दो पाठ के बीच में विवेक और अनुष्ठान, एक तो विवेक के द्वारा तो उनको समझो अशुद्ध तुच्छ, ये तो विवेक बोले, और कर्म उनको निकलने न दे बाहर, तो वो बीच में स्वप्नवत, उनकी स्थिति हो गई स्वप्नवत, न तो उनका दृढ़ संस्कार पड़ेगा और न तो वे कभी फल दे सकेंगे, वहीं के वहीं समाप्त हो जाएंगे। दो पाठ के बीच में पीस दो विवेक और और काम क्रोध को समर्थन देना जो है, हो जाना दूसरी बात है, और हो जाना दूसरी बात है और उनको समर्थन देना दूसरी बात है। भक्ति भाई जी भगवान से उनको करना चाहिए, एक तो ये बात हुई, दूसरा ये यदि भक्त अत्यंत कातरता से उसमें हर वक्त आर्द्र रहता हो तो यानी ये जो कठोरता का काम है वो आर्द्रता उसका प्रभाव खत्म कर देगी कि नहीं। देखो धर्म समझो, दास्य भाव में काम क्रोध भगवान के साथ भी नहीं करना, सख्य भाव में भी काम क्रोध तो थोड़ा बहुत चल भी जाए, वात्सल्य भाव में भी भगवान के प्रति काम तो नहीं, केवल मधुर भाव में श्रृंगार भाव में ही काम भगवान के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसा प्राकृत काम जैसा बोलते हैं। माँ का तो काम पुत्र के प्रति हो नहीं सकता, और पुत्र का काम भी माँ के प्रति नहीं हो सकता,
और सखा जो है वो आपस में लड़ेंगे, क्रोध तो हो जाएगा, कभी गुस्से में आके दो दो घूंसे लगा दिए क्या बात है, परंतु द्वेष नहीं होगा। और संसार का जो संबंध है देखो, तो हमको देख के आश्चर्य होगा, पत्नी अपने पति को 100-100 गाली दे देती है, अच्छा, और पति अपनी पत्नी को पीट देता है, लेकिन फिर शाम को वही रसोई बनी और वही खाना और वही प्रेम। हमको आज तक ऐसा कोई चेला नहीं मिला कि हम पत्नी की तरह पति को 10 बात सुना दें और वो अपना कमंडल उठा के न भाग जाए। संसार में पति पत्नी का संबंध देखो, आखिर वो भी तो माना ही हुआ, वो कौन ईश्वर के घर से जुड़े हुए पैदा हुए हैं, अरे ब्राह्मण ने गांठ बांधी और मान लिया है? अब पति पत्नी एक पत्नियां भी पीटती हैं, वो मुंबई का मालूम है बोला, यहाँ कहाँ को नहीं मालूम है। पति पत्नी आपस में खूब गाली गलौज पिटापट कर लेते हैं और मुंह फुला के एक दिन दो दिन नहीं खाते हैं, है? लेकिन फिर वही के वही, जो बीच में आवेगा सो पिटेगा, जो पति पत्नी के बीच में आवेगा वो पिट जाएगा। और ये महाराज ये जो चेला चांटी है, भगवान ये तो तिरछी आंख नहीं सह सकते, एक कड़वी बात नहीं सह सकते, इसमें भी एक दूसरे को आनंद आता होगा, तभी तो करते एक जाकता है, ये भी एक अजा है। माने ये कितना शिथिल, माने आध्यात्मिक जो प्यास है या भूख है या संबंध है वो कितना शिथिला होता है, नकली होता है, असली होता ही है, असली संबंध तो कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार तलाक है ही नहीं। तो फिर गुरु शिष्य का तलाक कैसे होगा, तलाक तो हो ही नहीं सकता। लेकिन महाराज सहन शक्ति जो है वो कामक क्रोध के सहन की शक्ति, सेवा कैसे होगी, अपनी सुविधा में लगे हुए हैं, जैसे देखो पंखा जलता है तो कैसे जलते हैं, ऐसे ऐसे जलते रहते हो, ऐसे गुरु जी की ओर एक बार ऐसे गुरु जी की ओर ऐसे किया और फिर ऐसे 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 अपनी पसीने अपना पसीना गुरु जी की ओर, गुरु जी का सेवा कैसे, कोई जो स्वसुख की वासना वाला है वो सेवा कैसे कर सकता, शांत भाव में तो काम क्रोध की छाया भी नहीं, और दास भाव में काम क्रोध का व्यवहार नहीं, और सख्य भाव में काम का नहीं क्रोध का किंचित व्यवहार हो सकता, और वात्सल्य में भी काम का नहीं क्रोध का कुछ ज्यादा व्यवहार हो सकता है। माँ बच्चे को जरा बांध बूंद सकती है, परंतु जो श्रृंगार है उसमें तो पूरा काम पूरा क्रोध भी चलता है। तो